हमारे पेपर हुए 10th के, और हमने 10th के पेपर दिए, हमारा एक पेपर फेल करने की वजह से उन्होंने सारे 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 फेल कर दिए। ऐसा चलो एक आधा हमारा फेल भी हो जाता तो इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था हमारे साथ, बड़ा गलत किया। और हम चाहते हैं कि हमें मार्क प्रमोशन दी जाए, सबको मार्क प्रमोशन दी है, और बहुत गलत हुआ हमारे साथ। इधर हमारे कई बार नेट चलता है, ऑनलाइन क्लासें लगती नहीं है, हम पूरी अटेंड नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासों में पढ़ा नहीं जाता, सीधी सी बात है, ऑनलाइन क्लासों से पढ़ा नहीं जाता है। और ये हमारे साथ बड़ा गलत किया, हम ये चाहते हैं कि हमें मार्क प्रमोशन दी जाए, हमारे साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। देखिए आज जो मढ़ चौक में छात्रों ने प्रदर्शन किया है और ये मांग की है कि जो एक वैश्विक महामारी में जहाँ पे घर से निकलना भी मुश्किल था, उस माहौल में ना तो ये बच्चे क्लासेस अटेंड कर पाए, और यहाँ पे जो व्यवस्था है, जहाँ सिग्नल है वो अच्छे नहीं है, ये जो बच्चे हैं जो फ्री फ्लंग एरिया में रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं, और बड़े सारे ऐसे गांव हैं जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नज़दीक हैं, यहाँ पे बच्चों को सिग्नल की बड़ी प्रॉब्लम है और ये बच्चे क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए। और जो कल जो रिज़ल्ट बोर्ड ने निकाला है वो एक इन छात्रों के साथ एक बद्दा मजाक किया है, किस तरह से दो पेपरों के बेस पे इनका पूरा जो पांच सब्जेक्ट थे उनको इन्होंने फेल कर दिया है। ये हम ये डिमांड करते हैं J&K बोर्ड से कि जहां सभी को मास प्रमोशन दीजिए तो इनको भी मास प्रमोशन दी जाए, ताकि ये बच्चे इनका भविष्य उज्जवल हो सके और ये अगली कक्षा में पढ़ सके। अगर ये प्रशासन ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया तो हमें मजबूरन नेशनल हाईवे बंद करके बच्चों की डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम प्रयास करेंगे। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़।